ये सीन है राजस्थान के पीपल फॉर एनिमल्स सिरोही का, जहाँ पे गाय बैलों के साथ साथ ऊँटों को भी रेस्क्यू किया जाता है। अब इतने भारी भरकम जानवर को रेस्क्यू करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अमित देओल जी, जो यूं तो पेशे से एक सरकारी स्कूल टीचर है, वो ऐसे रेस्क्यूज को अंजाम देते हैं। मैं 18 साल की उम्र में काम करने लग गया था। सारे एनिमल को हम अडॉप्ट करते, उनका ट्रीटमेंट करते, इनके चारे पानी की व्यवस्था करते, और कैमल का शेल्टर होम हमने अलग से खोला है। पूरे इंडिया भर के कैमल यहाँ रेस्क्यू करके पीएफ पे सिरोही में आते हैं। ऊँटों के संरक्षण के लिए कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं करता, और ये इमोशनल प्राणी है, इसको एक पत्थर लगा दो, एक पत्थर के जख्म से ही वो मर जाता है। तो ऐसे प्राणियों को जीवन दान देना सख्त जरूरत है। इनको चारा पानी व्यवस्था करने में हम दिन रात जुटे हुए हैं। हमको आसपास से चारा नहीं मिल रहा है, और उधारी में हमको कोई चारा उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इंडिया में न तो राजस्थान सरकार, न भारत सरकार, न कोई बड़े बड़े एनजीओ सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। जगह जगह लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एक ट्रक की खपत इस शेल्टर होम की है, और एक ट्रक हमारे करीबन 35,000 से 40,000 के बीच में पड़ता है। अमित जी 800 से भी ज्यादा ऊंट और ना जाने कितने हजारों जानवरों को आज तक रेस्क्यू कर चुके हैं, और इस काम के लिए कई बार उन्हें अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है। लेकिन हम इनका काम आसान कर सकते हैं इन्हें अपना समय देकर। अगर समय नहीं दे सकते तो इन्हें डोनेशंस देकर, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो इनके काम के लिए इन्हें प्रोत्साहित कर।